ये कि पुराने समय में जब साइंटिस्टों ने मीटर, किलोग्राम और इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज का खोज नहीं की थी, तब अगर तुम्हें किसी भी आदमी को डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कैसे मेजर करते अपने फुट से? सपोज कर लो कि पैर का पंजा है, हाथ का पंजा है, ठीक है, या फिर सपोज कर लो ये कोहनी है, कोहनी से लेकर के मिडिल फिंगर के टिप तक की जो डिस्टेंस है, इसके थ्रू क्या करते थे, लेंथ को मेजर करते थे। चलो सपोज कर हम अमन को बुलाते हैं, अमन हंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, अमन अपना जैसा भी है, बढ़िया आदमी है। सपोज कर लो तुम यहाँ पे खड़े कर रहे हैं, ठीक है, तुम अपनी कोहनी से, ठीक है, और मिडिल फिंगर तक की डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करो, ठीक, यहाँ तक आए, अब आगे बढ़ो, अपनी कोहनी यहाँ से लगाओ, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर आगे बढ़ो, ठीक है, यहाँ तक आया, लगभग 3 पूरे हाथ हो गए, ठीक, आगे बढ़ो, और बढ़ो आगे, लगभग लगभग 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक। अब सपोज कर रहा हम बुलाते हैं, आ जाओ प्रतीक, अब हाइट में डिफरेंस है, ठीक है, जब हाइट में डिफरेंस है जाहिर सी बात है कि हाथ पैर की लंबाई चौड़ाई होगी उसमें भी डिफरेंस होगा, ठीक है, अपनी कोहनी रखो, ठीक, एक, दो, तीन, चार, 4.25 मान लेते, ठीक है, तो मतलब ये जो है, चलो बैठे, ये जो है हमारे कितने आए, लगभग 3.5 से ज्यादा, और उसका लगभग 4 हाथ से ज्यादा। तो जब कभी भी डिस्टेंस को मेजर करने की बात आती थी, ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन क्या होता था, डिस्टेंस वेरी करता। इसी तरीके से अगर हम किलोग्राम को सपोज कर लो मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या वेट मेजर कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता। किसी ने कह दिया ये 1 किलो है, ठीक है, तो अब उसके लिए ही 1 किलो है, उसने इसके हिसाब से अनाज तौल दिया, ठीक, सपोज कर लो वही कह रहा है कि ये 1 किलो है, उसने इसके हिसाब से अनाज तौल दिया, ठीक है, तो कोई भी फिक्सेशन नहीं था कि हमारे पास जो है फिक्स यूनिट क्या है, 1 किलोग्राम आखिर होता क्या है। उसके बाद साइंटिस्टों ने क्या किया, इस तरीके के स्टैंडर्ड, इस तरीके के मानक जो है रखे, ठीक है, कि सभी के लिए, चाहे हम मेजर करें, चाहे अमन मेजर करें, चाहे प्रतीक मेजर करें, सभी के लिए क्या हो, सेम चीज आए। अगर डिस्टेंस मेजर करी है तो वो भी हमारे पास सेम आए, अगर हमने जैसे मास को मेजर किया है तो वो भी सभी के लिए क्या हो, सेम, जितना 1 किलोग्राम तुम्हारे लिए है उतना ही 1 किलोग्राम लंदन में बैठे व्यक्ति के लिए भी। ये बात तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है, सपोज कर लो तुमको हम ये 1 मीटर स्केल देना है, ठीक, मीटर स्केल से इस डेस्क की लेंथ मेजर करके बताओ कितनी आ रही है। ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, 91.4 गोवर्धन, तुम भी इतना मेजर करो, हमारे पास अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल में हमारे
हमारे पास मेन स्केल जो भी वहां पे दिया हुआ है उसमें हमारे पास कितने खाने होते हैं 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने। तो अगर हम बात करें एक छोटे खाने की, ठीक है, तो एक छोटा खाना हमारे पास कितने का हो जाएगा 1 मिलीमीटर अपॉन 10। ये 1 क्या है मेन स्केल पे कितना, एक बड़ा खाना, ठीक है, यही कह लो कि 1 बिग आई नो क्या कहेंगे है 1 बिग अपॉन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एक बड़ा खाना, दैट इज 1 सेंटीमीटर। कितना है ये 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज हमारे पास यहां पे कितना आया 0.1 सेंटीमीटर। ये 0.1 सेंटीमीटर क्या है, लीस्ट काउंट मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से, इस मीटर स्केल से क्या कर सकें, एक्यूरेट मेजर कर सकें। बात समझ रहे हो, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग लीस्ट काउंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, अपने अलग तरीके से क्या करेगा, मेजर करेगा और अपनी अलग एक्यूरेसी के साथ में। यहाँ पर हमारे पास मिनिमम एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर की है, समझ रहे हो, 91.4 एंड 91.5। सपोज कर लो हमको इस टेबल की एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या कहेंगे, सपोज कर लो हमने जैसे 2 लोगों को पकड़ा है, हम यहाँ पे 5 लोगों को पकड़ते हैं, 5 लोगों को लेकर के किसी डेस्क की हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसी ने कहा 91.4, कोई कहेगा 91.3, कोई कहेगा 91.5, कोई कहेगा 91.4, ठीक है। जब हमारे पास कई लोगों के एक जैसे आंसर आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। जब एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वहां हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या किया, बढ़ा दिया। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो भी वैल्यू है, जो भी हमारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास मीटर स्केल जिसकी लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम बात करें कि हमको और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, तो और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का जो मेजरमेंट करने वाला पोर्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया के शो किया है, क्यों, क्योंकि आगे का पोर्शन मुझसे इतना बनता नहीं, ठीक है। अभी से नींद आ रही है क्या, अभी तो पहला पीरियड स्टार्ट हुआ है, ठीक। ये हमारे पास इसका आगे का पोर्शन, ठीक है। ये हमारे पास जॉज है, इन जॉज के बीच में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और रखने के बाद हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से वैल्यू आती है। सपोज कर लो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मार्कर है, ठीक है। इसमें मेजर कर सकते हैं कि इसकी एक्सटर्नल डायमीटर कितनी है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर हमने इसको इस तरीके से बीच में रख दिया है और इसको पूरी तरीके से क्या टाइट कर दिया, इस तरीके से निकाल दिया, अब हमको क्या करना है, इसकी रीडिंग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो सपोज कर लो कि हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया तो हमारे पास रीडिंग कैसे आती है, इस तरीके से आती है। ये हमारे पास जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 डिजिट दिखा रखे हैं, ये 10 डिजिट हमारे पास इसकी हैं वर्नियर स्केल, ठीक। और जो हमारे पास ये पूरा स्केल इस रॉड में दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल। फिर आप इसमें बोलिए, यहाँ पर जो हमारे पास मेन स्केल है वो एज इट इज जिस तरीके का मीटर स्केल है उस मीटर स्केल के अकॉर्डिंग ही होता है। यहाँ यानी कि हमारे पास मेन स्केल की अगर हम बात करें तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ
वन ईयर का एनिवर्स लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वन ईयर स्केल. तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वन ईयर स्केल n that is value क्या होगी 0.01 सेंटीमीटर. ये हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. दैट मींस अगर यहां पे हम वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के दो डिजिट तक एक्यूरेट रीडिंग आएगी. इतनी बात क्लियर है? यस सर. अब सपोज कर लो मैंने भी इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, बसाया, ठीक. उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग इसकी चेक कर रहे हैं. अब रीडिंग चेक करने के लिए हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, बोर्ड की तरफ देखिए. सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास लाइन ड्रॉ है, कौन सी, मेन स्केल की. मेन स्केल की हमारे पास यहाँ पे कुछ रीडिंग यहाँ पे शो हो रही है, ये वन है, ठीक है. तो सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक, ये हमारे पास सपोज कर लो 3 है. ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पे क्या कर रखा है, डिवाइड कर दिया है. ध्यान से समझना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सपोज कर लो अभी वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर से अगर हमको मेजर करना है तो सबसे पहले देखेंगे जॉस हमारे यहाँ पे ओपन है, ठीक है. और वर्नियर स्केल हमारे पास यहाँ पे शो किया है, वर्नियर स्केल का जो जीरो हमारे पास है ये जीरो कहाँ के सामने हमारे मैच कर रहा है. हमने यहाँ पे 2 को डिनोट किया है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास क्या होगा 1.9, ये हमारे पास क्या होगा 1.8 होगा. तो 1.8 और 1.9 के बीच में ये लाइन शो हो रही है जीरो की, वर्नियर स्केल की. दैट इज कंप्लीट कितना हो गया 1.8, ठीक है, सेंटीमीटर. इसकी मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग कितनी हुई 1.8 सेंटीमीटर. अब 1.8 से ज्यादा है, 1.8 से ज्यादा है कितना ज्यादा है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल पे वर्नियर रीडिंग हमारे पास क्या है. सपोज कर दो कि ये हमारे पास 10 डिजिट दिए हुए हैं वर्नियर स्केल के, तो इनमें से कौन सी लाइन हमारे पास मेन स्केल के जस्ट सामने पड़ेगी, ठीक. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, जो मैंने ऐसे जनरल रैंडमली किया है तो ये लाइन देखो दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन एक्यूरेट सामने. मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7, क्लियर. सातवां खाना हमारे पास मेन स्केल के सामने है तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, 1.8 से सातवां खाना, दैट इज 0.07, ठीक है, सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट हमारे पास कितना आया 0.01, तो हमारे पास सातवां खाना है तो सातवें खाने की हमारे पास रीडिंग कितनी हो जाएगी 0.07 सेंटीमीटर. अब अगर हम यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालें कि हमारे पास टोटल रीडिंग क्या आई है तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी 1.8 प्लस 0.07 दैट इज 1.87 सेंटीमीटर. कोई डाउट है? नो सर. बोलिए. नो सर. पीछे. अब इसको अगर समझ में आ गया है तो अब हम आपको एक चीज पहले और बता देते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसमें एरर का पार्ट नहीं बताया, ठीक है. जब एरर का पार्ट बताएंगे तो आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हो कि हमारे पास के भी किसी भी जो है सपोज करो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की या किसी जो है कि हमको थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो उसकी थिकनेस कैसे फाइंड आउट होगी, कितनी एक्यूरेट आएगी, तो हमको एरर भी समझनी पड़ेगी. Yes,
किधर देखिएगा, सपोज कर लो नीचे किरण शो कर रहे हैं वर्नियर स्केल और ऊपर किरण शो कर रहे हैं मेन स्केल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जीरो, क्या है ये, जीरो, किसका वर्नियर का, तो जीरो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 खाने हो गए। अब मेन स्केल का जीरो सपोज कर लो हमारे पास यहां पे, यहां पे थोड़ा सा नीचे, ये हमारे को करें यहां पे इस तरीके से शो करें, तो ये जीरो और ये जीरो एक लाइन में नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, अगर एक लाइन में नहीं है देखते क्या होगा, फिर ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, यही हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, ठीक। इस वर्नियर कैलिपर में सपोज कर दो कि अगर हम इसको इस तरीके से जॉब मिला दिए और हमारे पास यहाँ पे जो मेन स्केल का जो जीरो है और नीचे जो हमारे पास वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये क्या है, जस्ट एक लाइन में नहीं है, कैसे है, हल्का सा पीछे की ओर है वर्नियर स्केल। सपोज कर लो हमने इसको हल्का सा पीछे की ओर कर दिया, तो अगर हम हल्का पीछे की ओर कर देंगे तो ये जीरो की लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो की लाइन क्या होगी, शिफ्टेड हो जाएगी फ्रॉम राइट साइड। ये बात डाउट क्लियर होने, मतलब डाउट तो नहीं है, बोलिए। हमने बहुत हल्का से यहाँ पे ओपन किया है और ये जो जीरो है क्या हो गया, इधर की ओर शिफ्टेड हो गया, ठीक। अब ये बताओ कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में फंसा दें, सपोज कर लो कि हमारे पास स्केल है, ठीक है, इसी स्केल के अगर हमको थिकनेस फाइंड आउट करनी है कि इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक, तो हम इसको इस तरीके से फंसा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर राइट साइड में ये वर्नियर स्केल शिफ्टेड है, ठीक है, तो राइट साइड पे शिफ्टेड होने का मतलब क्या होगा, लेंथ हमारे पास कम आएगी या ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, ये बात समझ में। जैसे सपोज कर लो अगर छोटे में समझ में नहीं आया कि हमारे पास इतना जो है गैप है और हम इसमें कोई चीज जो है क्या कर रहे हैं, ऐड कर दी, तो इतनी जो हमारे पास गैप है ये लेंथ हमारे पास उसमें ऐड हो जाएगी, समझ में आया नहीं, जो भी लेंथ है उसमें इतनी लेंथ ऐड हो रही है और हमारे पास उसमें वर्नियर स्केल कहां पे है, राइट साइड में शिफ्टेड है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर, क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर को जो है यहां पे अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एरर है उस एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज कर लो इस तरीके से है और यहाँ पे हमारे पास ये 0.5 है, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, कौन सी लाइन हमारे पास जस्ट सामने, 0.5, पहले समझो, सपोज कर लो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जस्ट सामने आ गई, सामने आया, अगर ये जस्ट सामने है तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हम अगर यहाँ पे इसको मेजर कर रहे हैं, अब मेजर करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें इतनी एरर आएगी, ठीक। तो मैंने अभी इसकी थिकनेस में यहाँ पे मेजर किया तो जो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, पहली जो लाइन है यानी कि जीरो की जो लाइन है वर्नियर स्केल की, वो देखिए किस पे आ रही है, पांचवें खाने पे है, चेक करो कर हाथ में पकड़ के एकदम एक्यूरेट सामने से देखो, एक बार ध्यान से देखो, पांचवा खाना एक्यूरेट है या छठा खाना एक्यूरेट है, छठा खाना, पहली लाइन जो वहां पे ड्रॉ है,
छठवां खाना, पहले मेरी बात समझो, ये पहली लाइन यहाँ पे किसके सामने आ रही है? पांचवें के। ध्यान से सुनो, पहले हमें सबसे पहले कैसे मेजर करना होता है, जो वर्नियर स्केल की पहली लाइन है वो मेन स्केल में किसके सामने है, समझे गए? देखो कितना है, पांचवें, ठीक है, छठे पे नहीं। तो पहला लाइन हमारे पास पांचवें खाने पे आया। अब ये चेक करो कि ये जस्ट एक्यूरेट पांचवें खाने पे है या फिर पांचवें खाने से कुछ ज्यादा है या कुछ कम है। थोड़ा ज्यादा है, ध्यान से सुनते जाना, पांचवें खाने से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो थिकनेस के लिए मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? 5वें से ज्यादा, दैट मींस 0.5 तक तो कंप्लीट है। ठीक, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 0.5 सेंटीमीटर। काम में आ गया, काम में आ गया, तो फिर अब ये हमको देखना है कि हमारे पास जो 10 खाने हैं वर्नियर स्केल के, उन 10 खानों में और सामने के जितने भी हमारे पास क्या हैं मेन स्केल, उसमें कौन सा खाना जस्ट सामने आ रहा है? तीसरा चौथा खाना कोई ना कोई सामने आ ही रहा होगा। इधर दिखाओ, इस तरफ चार बार हो गया अंदाजे से, चौथा या पांचवा जो एक्यूरेट सामने बैठ रहा वो देखना। आठवां है, चलो हमने सपोज कर लिया, ठीक है, कि आठवां खाना क्या है जस्ट सामने आ रहा है, ठीक है। तो अगर आठवां खाना है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 0.08। इतना समझ में कुछ आया? Yes, yes. हमारे पास टोटल कितनी होगी रीडिंग? 0.58 सेंटीमीटर। हमारे पास एरर कितनी है? पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्यूरेट रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0.53। जो भी हमारे पास टोटल है उसमें से एरर को क्या करें? सबट्रैक्ट कर दें, दैट इज 0.58 माइनस 0.05, दैट इज कितना आ जाएगा? ये 0.53। समझ आया नहीं है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब सपोज करो, अभी ये एग्जांपल क्या पॉजिटिव एरर, ठीक है, पॉजिटिव एरर में हमारे पास जो भी एरर है उस एरर को एज इट इज हमने क्या किया? सबट्रैक्ट कर दिया। पॉजिटिव एरर में हमारे पास जीरो है वो क्या है? मेन सॉरी वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड में शिफ्टेड है। वेयर अब सपोज कर लेते हैं वर्नियर स्केल का जो हमारे पास जीरो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है, यानी कि जीरो हमारे पास कहां पे है? यहां, ठीक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समझ आ रहे कि नहीं? अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई भी चीज मेजर करें इसमें और हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड में क्या है जो जीरो है वो शिफ्टेड है वर्नियर स्केल का, तब अगर हम इसको मेजर करें, ठीक है, और हम सेम चीज मेजर कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे एरर हम कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव आ रही है 6, एरर कहाँ से आई? शिफ्टेड है। कौन सा खाना हमारे पास लग गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सपोज कर लो कि ये हमारे पास है
ये चढ़ा था सिक्स प्लेस। तो अगर छठा खाना हमारे पास है तो एरर हमारे पास कितनी हुई? एरर हमारे पास नेगेटिव हुई पहली चीज पे ये था। अगर इस साइड में शिफ्टेड है तो हमारे पास जो है एरर कौन सी हुई? नेगेटिव। कौन से प्लेस की है? सिक्स प्लेस के लिए अगर हमको यहाँ पे क्या निकालनी है? एरर। तो एरर कैसे निकालोगे? 10 माइनस 6 दैट इज 4। ठीक है, तो एरर इन लीस्ट काउंट 0.04 सेंटीमीटर। ये मतलब ध्यान से समझना, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर का मतलब है कि वहां पे हमारे पास जो भी वैल्यू मेजर करेंगे वो वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी। तो वहां पे सपोज किया मैंने कि छठी जो स्थान है, छठा स्थान क्या है? जस्ट सामने है सिक्स प्लेस। तो उस सिक्स प्लेस के लिए अगर हम लीस्ट काउंट पे एरर बताएंगे तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं? 10। उन नंबर ऑफ डिवीजन से जो भी प्लेस हमारे पास एक्यूरेट सामने कर रही है उसमें से सबट्रैक्ट कर लिए 10 माइनस 6। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे क्या? लीस्ट काउंट के टर्म्स में, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। कोई डाउट? नो सर। इतना समझ आया? यस सर। अब अगर यहां पे हमारे पास जैसे अभी थिकनेस हमने मेजर करी थी तो थिकनेस में हमारे पास एन स्क्वायरिटी कितनी आई? 0.5 सेंटीमीटर। और बढ़ने के स्केल पे हमारे पास रीडिंग कितनी आई? 8वां खाना। ठीक, तो एट फेस के लिए 0.08 सेंटीमीटर। फिर अब और टोटल हमारे पास कितना हुआ? 0.58 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास एरर है, कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर 0.04 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेट रीडिंग कितनी रहेगी? 0.5। जो भी हमारे पास टोटल रीडिंग है, ठीक है, और नेगेटिव एरर हमारे पास क्या है? वैल्यू कितनी कम होकर आ रही है? दैट इज प्लस नेगेटिव एरर, यानी 0.58 और प्लस 0.04 कितना हो गया? 0.62 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? नो सर। ये हमारे पास है पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। ठीक है, इसी तरीके से सपोज कर लो कि अगर हमको क्या करना है, किसी बुक के अगर हमको इस पेज की थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो वो थिकनेस हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट नहीं, किससे फाइंड आउट करेंगे? स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज में हमारे पास क्या होता है? सपोज कर लो ये हमारे पास है, ठीक है, इसके बीच में हम किसी भी जो है छोटी चीज को जैसे कि पेपर वगैरह है, ठीक है, या कोई वायर है, उसको बीच में क्या करते हैं? इस तरीके से फंसा, ठीक है, और फंसाने के बाद हम वहां पे इसकी मेन स्केल रीडिंग और जो भी हमारे पास सर्कुलर रीडिंग है उसको हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर रीडिंग कितनी होती है? 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 100। तो स्क्रू फेस के अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें कितने हो जाएंगे? 0.5। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल 100, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज।
क्लियर है? क्लास खत्म, फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं, बेल लग चुकी है, ठीक है।